फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। तो मैंने ये वाला कप नाप के मिल्क पाउडर ले लिया है, 2 कप। इससे ही मैं मेज़र करूँगी चीनी और अपनी चाशनी जो बनाऊँगी उससे चीनी लूँगी मैं। तो ये तो मैंने 2 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। ये बेकिंग पाउडर है 1/4, ये ले लेंगे। और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच सूजी और 2 ही चम्मच मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून समझ लीजिए, इतना हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें देसी घी, 1 चम्मच देसी घी ले लेंगे। बस इसका हम एक डो बनाएंगे। अब डो बनाने से पहले हम एक पैन ले लेंगे, और ये मैंने 1 कप चीनी ले ली है जो मैं मेज़र कर रही हूँ, जिस कप से वो हम इसमें डाल लेंगे। और इसी कप के नाप का हम पानी लेंगे, पूरा 1 कप। ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। इसकी हम चाशनी बना लेंगे। इसमें 2-3 इलायची डाल देती हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि इलायची डाल दी है मैंने। और थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे, अच्छा लगता है चाशनी में कलर। और थोड़ा सा नींबू के ड्रॉप्स भी डाल दूंगी इसमें, ताकि चीनी जो जम जाती है गुलाब जामुन पर वो नहीं जमेगी नींबू का रस डालने से। अब ये चाशनी होने देते हैं, फिर इसका डो बनाते हैं। हमने एक चूल्हे पे अपनी चाशनी रख दी है, हल्के पे हमारी चाशनी हो रही है, और एक गैस चूल्हे पे हमने बिल्कुल स्लो पे ऑयल रख दिया है। इतने हम इसका डो बना लेते हैं। ये हमने 1/2 कप गर्म दूध लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म। और जो चीज़ें हमने इसमें सारी डाली थी वह हम इसको मिला लेते हैं पहले सही से। अब हम इसका डो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। मिल्क पाउडर जो है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अमूल का, मदर डेरी का, और भी कंपनीज का आता है, नेस्ले का। आप इसका धीरे धीरे एक अच्छा सा डो बना लेंगे। देखें, अब हमने इसका डो बना लिया है, बिल्कुल खूब अच्छा डो बन गया है हमारा। बस अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखें, ये थोड़ा थोड़ा लेके हम इस तरीके की बॉल बनाएंगे जिस पे कोई भी क्रैक ना हो। बस इस तरीके की हम बॉल्स बना लेंगे और उसके बाद इनको हम फ्राई करेंगे। देखें, हमने इसकी सबकी बॉल बना ली है। और ये हमने लो मीडियम उस आँच पर ऑयल हम हल्का सा गर्म करेंगे, फुल नहीं करना क्योंकि ऐसे हमारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। हमें हल्के पे ही करने हैं इनको। हम इसमें दोबारा से थोड़ी थोड़ी शेप देके डाल देंगे। ये हम इसमें अपने गुलाब जामुन डाल देंगे और हल्की आँच रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गुलाब जामुन थोड़े थोड़े हो रहे हैं, तो हम इनको पलट देंगे। बस इनको हमने हल्के पे ही फ्राई करना है, तेज़ पे नहीं करना। तेज़ पे करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस ऐसे ही हम इनको धीरे धीरे पलटते जाएंगे, जिस साइड से भी गोल्डन होंगे दूसरी साइड से पलट देंगे इन्हें। देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से हमारे गोल्डन हो गए थे तो हमने पलट दिए हैं। अब ये जब दूसरी साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें धीरे धीरे चला के डार्क ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको काले गुलाब जामुन चाहिए तो इन्हें और ज़्यादा हमें पकाना होगा। तो मुझे काले गुलाब जामुन नहीं चाहिए, मुझे डार्क ब्राउन चाहिए। तो मैं इन्हें अभी और धीरे धीरे, देखिए हो रही है, गोल्डन कलर आ रहा है।
बस ऐसे ही हम इनको फ्राई करेंगे और करेंगे लो ही मीडियम आँच पर। और जब ये हो जाएंगे जब हम मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, मुझे गोल्डन ब्राउन ही रखने हैं, मुझे ब्लैक नहीं करने। अगर आपको ब्लैक चाहिए हो तो आप इन्हें थोड़ा और फ्राई कर लीजिए। बस मैं इनको अभी और 5 मिनट करके फिर मैं इनको, चाशनी मैंने उतार ली है, गर्म है मेरी चाशनी, जो हमें कोई एक तार या दो तार की नहीं बनानी, बराबर पानी और बराबर चीनी रख के मैंने चाशनी बना ली है। और ये कोई एक तार की या दो तार की नहीं है, बस क्वांटिटी बराबर रख के आप इसकी चाशनी बना लें और इसे गर्म रखें। हम इसमें गुलाब जामुन गैस पर से उतार लेंगे चूल्हे पे से, और उसके बाद हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। अब हमारे लगभग गुलाब जामुन हो गए हैं, बस मैंने अभी चाशनी में डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं, अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। देखिए आप देखें, ये हमने चाशनी में डाल दिए, अब इन्हें हम 15 मिनट चाशनी में रहने देंगे और जो हम इन्हें निकाल लेंगे तो बाकी बचे हुए भी गुलाब जामुन जो हमारे थोड़े से और रह गए वो भी हम इसी चाशनी में डाल देंगे। अभी हमने जितने डीप हो सके हमने वो डाल दिए, 15 मिनट बाद निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये चाशनी अच्छी करके इनमें चली जाएगी, पी लेंगे ये चाशनी। देखिए फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन चाशनी में 15 मिनट हमने डिप किया था, बिल्कुल बहुत अच्छे करके तैयार हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अलग अपनी कटोरी में निकाल ली है। मैं आपको अभी एक गुलाब जामुन काट के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है हमारा गुलाब जामुन, देखिए अंदर से भी, और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।